गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में होल नंबर के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया भी था कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, इंटीजर कौन से होते हैं। अब आपके फिफ्थ चैप्टर है इंटीजर का। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये चैप्टर बड़ा धीरे पढ़ाऊंगा, आराम से पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर आपकी ज़िंदगी है, मतलब मैथ की ज़िंदगी है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता ना, तो आप ये बात मान लो कि आपको मैथ नहीं आती। मैं ये चीज़ कहूँगा, इस चैप्टर का आपका मैथमेटिक्स के साथ बहुत बड़ा रिश्ता है, गहरा रिश्ता है। मतलब जैसे जैसे स्टूडेंट्स, मैं आपको कह सकता हूँ, जैसे एक रिश्ता माँ बेटे का ना, वैसे ये चैप्टर का रिश्ता है पूरी मैथ्स के साथ। सारी की सारी जो मैथ्स है ना, वो इसी एक चैप्टर से जुड़ी हुई है। बड़े आराम से करूंगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा और आपको ऑर्डर भी दूंगा, दोनों ही बातें हैं। मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैप्टर की बच्चा प्रैक्टिस जरूर करे, और तब तक बार बार प्रैक्टिस करे जब तक उसे हर एक चीज़ टिप्स पर ना याद हो जाए। मैं आपको बड़े बेसिक तरीके से हर एक चीज़ बताऊँगा कि क्या होता है। चैप्टर नंबर 5, इंटीजर्स। वापिस से रिपीट करूंगा कि इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, सो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, सो मतलब पीछे भी नेगेटिव में भी चलते जाएंगे, पॉजिटिव में भी चलते जाएंगे और बीच में जीरो भी आएगा। ये सारे के सारे जो नंबर है ना, इंटीजर है। 1.2 इंटीजर नहीं है, ये एक डेसिमल नंबर है। मैंने तुम्हें सेवंथ चैप्टर में बताया था। बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। अगर मैं देखूं तो 1 से आगे वाले सारे नेचुरल नंबर हैं। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे इंटीजर का पार्ट हैं। हैं भाई, इनको कहेंगे जीरो इंक्लूड वालों को होल नंबर। तो मैं कह सकता हूं कि जो जितने के सारे होल नंबर हैं वो इंटीजर का पार्ट है। अच्छा, मैं अब ये भी कह सकता हूं कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर का तो पार्ट है, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं आते। वापस रिपीट करूं, सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं आते। भाई, जीरो नेचुरल नंबर में कहाँ आते हैं? नहीं आता। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर हैं वो तो है बेटा, सन। होल नंबर क्या हो गया? उसके फादर। और इंटीजर क्या हो गया भाई? क्या हो गया बताओ? वो हो गया ग्रैंडफादर। ठीक है ना? सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर, होल नंबर सारे इंटीजर के अंदर, मतलब इंटीजर सबसे बड़ा, उससे छोटा होल नंबर, उससे कम आएंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो होल नंबर में आ जाएंगे, लेकिन होल नंबर सारे नेचुरल नंबर में नहीं आएंगे, क्योंकि जीरो इसमें नहीं आता। आगे पास हमने बड़ी काम की चीज बताई मैंने। क्या जीरो इंटीजर है? हाँ भाई है, आ रहा है इस लाइन में। क्या जीरो पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है भाई, जीरो जीरो है, प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है जीरो के आगे। आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं 5.1 की फर्स्ट क्वेश्चन की, क्या जीरो एक इंटीजर है? हाँ जी है, यस। -1 एक इंटीजर है? हाँ भाई है। आगे चलते, फाइंड ए नंबर विच इज एन इंटीजर एज वेल एज होल नंबर। ऐसा कोई नंबर बताओ जो इंटीजर भी और होल नंबर भी हो। भाई, 1 इंटीजर भी है होल नंबर भी है, 2 इंटीजर भी है होल नंबर भी है, 3 इंटीजर भी है होल नंबर भी है, 4 इंटीजर भी है होल नंबर भी। तो तुम 0 से लेके कोई भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, 0 से लेके कोई भी लिख सकते हो, एनी नंबर। इज एवरी होल नंबर ए नेचुरल नंबर? आगे ना बात, क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है? भाई नहीं है, क्योंकि 0 नहीं आ रहा। नो। इज एवरी पॉजिटिव इंटीजर ए होल नंबर? जितने भी ये पॉजिटिव इंटीजर हैं, क्या सारे के सारे होल नंबर हैं?
नेगेटिव वाले तो होल नंबर में आते ही नहीं हैं भाई, से सही बात है। आगे चलते हैं, किसी भी होल नंबर का सॉरी इंटीजर का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन। नंबर लाइन तो आप सभी जानते हैं, ये आपकी नंबर लाइन 0, 1, 2, 3 -1, -2 वन का है भाई, ये वन इंटीजर है, ये -2 इंटीजर है, ये हमने रिप्रेजेंटेशन कर लिया। अरे इसमें कोई खास बात नहीं है। तो 5.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि नंबर लाइन पे जीरो का है भाई, ये रहा जीरो, सभी के लिए अलग अलग बना देंगे, -2 बता देंगे कहाँ पे है, -5 बता देंगे कहाँ पे है, -13 बता देंगे कहाँ पे, सारे बता देंगे, ये तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बात करते हैं इधर, जब आप नंबर लाइन पे राइट साइड में मूव करते हो तो वैल्यू इंक्रीज होती है, क्या होती है इंक्रीज, मतलब बढ़ती है, वैल्यू बढ़ेगी। मतलब क्या है कि एक बात बताओ, क्या 3 2 से बड़ा है? हाँ जी है। 2 1 से बड़ा है? है। 1 0 से बड़ा है? है। इसका मतलब है कि जो 0 है वो -1 से बड़ा है, -1 -2 से बड़ा है, -2 -3 से बड़ा है। इधर आओगे तो स्मॉल होता जाएगा और इधर जाओगे तो लार्ज होता जाएगा। तो राइट साइड में देखो, सही काम करोगे तो लार्ज होगा, बढ़ेगा, तरक्की होगी, गलत काम करोगे पीछे को आओगे तो फिर स्मॉल ही होएगा, है ना। तो ये चीज बड़ी काम की है। तो बड़ा कौन है छोटा कौन है, ये इसके ऊपर बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ी काम की चीज है, कौन बड़ा कौन छोटा है, आगे बहुत काम आएगा। पहला 0 और -1 में भाई कौन बड़ा है, 0 कहाँ है, ये रहा, -1 कहाँ है, ये रहा। हाँ जी भाई कौन है उधर राइट साइड में, कौन है, 0 है ना, तो 0 बड़ा है, आंसर में क्या आ जाएगा 0। फिर वो पूछ रहा है -3 और -5 में, देखो अभी -3 का ये रहा, -4 यहाँ पे आएगा, -5 यहाँ पे आएगा, राइट साइड में कौन है, -3, तो आंसर क्या आ जाएगा -3। अब देखो, अब बार बार नंबर लाइन तो ना बनाओगे, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया -330 -397, अब बताओ इन दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा है तो इतनी बड़ी नंबर लाइन तो ना बनाओगे। अब देखो माइनस में जो जितना छोटा उतना बड़ा, माइनस में जो जितना छोटा वो उतना बड़ा, तो माइनस में छोटा कौन है भाई, 3, यही बड़ा होगा। अच्छा इन दोनों में से बड़ा कौन होगा भाई, माइनस में जो जितना छोटा, 330 छोटा के 397 छोटा, 330 छोटा, तो ये बड़ा होगा। अच्छा जो बड़ा है तो दूसरे वाला क्या है, छोटा है। अब अगर मैं पूछ लूँ इनमें से छोटा कौन सा भाई, तो माइनस वाला छोटा है। प्लस वाले सारे नंबर पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव से बड़े होंगे ही होंगे, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव से तो बड़े होंगे ही होंगे। ये कुछ बेसिक बातें हैं, ये आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो 5.1 का फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट आप करना, मैंने आपको बेसिक बताया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूं मैं, इंटीजर लिखने हैं 0 और 6 के बीच वाले। आप चाहो तो इसको 2-3 तरीकों से कर सकते हो। हाँ जी, 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है, 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6, 0 और 6 के बीच बीच में लिखने थे, -5 और 0 के बीच में। अगर ये नहीं समझ में आया तो पहले नंबर लाइन बना लो, 0, -1, -2, -3, -4, -1, -5 और 0 के बीच बीच में। कौन कौन आ रहा है अभी, -4 आ रहा है, -3 आ रहा है, -2 आ रहा है, -1 आ रहा है। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं रहेगी, आप सीधा ही बता सकते हो कि सर 0 और -5 के बीच में ये आएंगे। 2 क्वेश्चन होमवर्क, 5th क्वेश्चन होमवर्क, कौन बड़ा कौन छोटा सिखा दिया। 6th क्वेश्चन डिक्रीजिंग ऑर्डर, एक बार मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है भाई, बड़े से छोटा। देखो पहले सबसे बड़ा कौन, फिर उससे छोटा कौन, उससे छोटा कौन, उससे छोटा कौन, उससे छोटा कौन, असेंडिंग ऑर्डर भी करो, दोनों ही डिक्रीजिंग है। यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज, क्वेश्चन नंबर 8 में करा देता हूँ, ठीक है, आसान है। डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला क्वेश्चन एक बार मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, नहीं आएगा तो पूछना जरूर। क्वेश्चन नंबर बात कर रहा हूँ 8 के, 3
मोर देन सिक्स। मोर का मतलब जाना है राइट साइड में, किधर जाना है राइट साइड में। देन के बाद वाली डिजिट बनाएंगे अभी, पहले जीरो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और बना लेते हैं नंबर लाइन सात आठ नौ दस ग्यारह, सिक्स का है। देन के बाद क्या है, सिक्स, सिक्स लगा लो, सिक्स पे कर लो मार्क। थ्री मोर देन, तीन कदम आगे चलेंगे, मोर का मतलब राइट साइड में जाएंगे। कहाँ पहुँच गए भाई, नाइन पे पहुँच गए। क्या आंसर आ जाएगा, कुछ टू नाइन, बाकी वाले कर लोगे ना सारे। लेस का मतलब पीछे आना है, लेस का मतलब इधर पीछे आना है, लेफ्ट साइड में आना है। नाइन्थ क्वेश्चन ट्राई करो, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, कौन सा फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर टेन देखो, जब भी आपके पास ऐसी दो डंडी आ जाए, इसे कहते हैं मोड, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन्स सिर्फ पॉजिटिव आंसर, पॉजिटिव वैल्यू, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू वैल्यू लिखनी है, साइन को भूल जाना है कि साइन है क्या। बार वाला साइन एज इट इज रहेगा भी, इसके मतलब कहने का मतलब है अगर मोड थ्री है, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ थ्री भी थ्री आएगा, और माइनस थ्री है तब भी आंसर थ्री लिखा जाएगा। लेकिन अगर इसके बार माइनस लगा हुआ है तो ये बार वाला माइनस तो पड़ा रहेगा, अंदर वाला माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, बार वाला तो एज इट इज आएगा ही आएगा। जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, माइनस 91, 0 और ये है माइनस माइनस 3, 7 प्लस माइनस 3, 8 माइनस माइनस 7। आ जाओ भाई, माइनस 91, बाहर तो कोई साइन नहीं है, बाहर तो साइन मतलब प्लस का मान, माइनस 91 प्लस ही लिखा जाएगा, 0 का तो 0, बार वाला माइनस तो एज इट इज रहेगा, लेकिन इस दो लाइनों के बीच में जो आ गया वो प्लस का हो जाएगा, सेवन प्लस का, आगे प्लस का साइन, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस थ्री ये प्लस का हो जाएगा, टेन आंसर आ जाएगा, एट। बार वाला माइनस तो पड़ा रहेगा, लेकिन इस माइनस सात की जगह प्लस सात हो जाएगा, और एट माइनस सेवन वन आंसर आ जाएगा। ये 5.1 और 5.2 आपकी कंप्लीट होती है, आगे आती है 5.3, 5.4 और 5.5। ये मैं आपको आज नहीं करा रहा, ये मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मैं ये चैप्टर थोड़ा धीरे चलाना चाहता हूँ, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितना धीरे चलाऊंगा मैं सोचता हूँ कि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आए। इसको लेकर मैं आपको आके बताऊंगा कि 5.3 और 5.4 और 5.5 में भी एडिशन कैसे करते हैं इंटीजर का, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, इसको लेकर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच डियर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्रैक्टिस जरूर करा करो आप, और कोई भी डाउट आता है तो आप पूछा करो जरूर। थैंक यू।